हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे दो टॉपिक्स। पहला तो है कि IPv4 टू IPv6 का ट्रांजिशन कैसे करते हैं हम, और सेकंड हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज। बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज होती हैं, डुअल स्टैक, टनलिंग एंड हेडर ट्रांसलेशन। सो डुअल स्टैक का क्या मतलब होता है? जब तक वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स IPv6 के ऊपर ट्रांजिशन पे नहीं चले आते, IPv6 में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक ये कहा गया कि जो स्टेशन है, जो कंप्यूटर है, उसको IPv4 और IPv6 दोनों को साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है इन अ डुअल स्टैक। ठीक है, तो देखो अब ये काम कैसे करता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास IPv4 का है और एक है IPv6, और मैं एक साथ एक ही सिस्टम पे दोनों को मैनेज करूँगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है, सिंपल, हेयर वी हैव अ सोर्स एंड वी हैव सम वन कॉल्ड एज द सपोज डेस्टिनेशन। एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, और इस डेस्टिनेशन तक आने के लिए एक है IPv4 सिस्टम और एक है IPv6 सिस्टम, ठीक है। अब सोर्स को पैकेट भेजना है डेस्टिनेशन तक, तो वो कौन सा चूज करेगा, IPv4 या IPv6? तो सोर्स क्या करता है, सोर्स डोमेन नेम सर्विस DNS को कॉन्टैक्ट करता है और इस डेस्टिनेशन के बारे में इंक्वायरी करता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव बाय द DNS, वेदर IPv4, अगर IPv4 टाइप का रिस्पॉन्स मिला तो सोर्स क्या करेगा, पैकेट को इस स्टैक से भेज के IPv4 सिस्टम के पास एंड देन डेस्टिनेशन, ठीक है। बट अगर DNS से IPv6 टाइप का रिस्पॉन्स आया तो सोर्स इस वाले स्टैक के थ्रू IPv6 सपोर्टेड सिस्टम देन डेस्टिनेशन। तो एक तरह से एक ही सिस्टम के अंदर दोनों IPv4 और IPv6 का प्रोसेस रहता है, उनका सॉफ्टवेयर रहता है कंप्लीशन के लिए, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय द DNS, पैकेट उस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू रूटेड कर दिया जाता है। तो ये कंसेप्ट है डुअल स्टैक का। इसके बाद आता है कंसेप्ट टनलिंग। तो टनलिंग क्या कहता है कि सपोज मेरे पास दो IPv6 के सिस्टम्स हैं, एक IPv6 बेस्ड मेरे पास क्लाइंट है और एक IPv6 बेस्ड मेरे पास सर्वर है। तो दो सिस्टम है जो IPv6 में है, और इन दोनों सिस्टम्स को कम्युनिकेट करना है, बट जो बीच में मीडियम है वो IPv4 को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ IPv4 का एक रीजन है जिसके थ्रू इनको कम्युनिकेशन करना है, कि क्लाइंट को एक पैकेट भेजना है वाया IPv4 टू IPv6। तो अब वो कैसे भेजेगा, तो उसके केस में हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टनल बना देंगे, और उसमें क्या करेंगे, IPv6 का जो हेडर होगा उसको IPv4 के अंदर एनकैप्सुलेट कर देंगे। डैट मीन्स यहाँ से तो चला IPv6, ठीक है, बट जब इस रीजन में आएगा तो क्या होगा, IPv6, और उसको इनकैप्सुलेट कर दिया फर्दर IPv4 के अंदर। तो ये वाला जो रीजन है इस IPv4 को इजीली अंडरस्टैंड करेगा और पैकेट को आगे भेज देगा। अब जब पैकेट इस रीजन से बाहर निकला तो हम इस IPv4 के जो पैकेट का जो हेडर है इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंपल हमें क्या मिल जाता है, IPv6। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं टनल, ठीक है। सो इस तरह से टनलिंग काम करती है। तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हो, इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं दैट IPv6 पैकेट इज इनकैप्सुलेटेड
इज इनकैप्सुलेटेड इन एन IPv4 पैकेट। कब? व्हेन इट एंटर्स द IPv4 रीजन। तो सिंपल है, एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट लगा दो ताकि वो रीजन उसको अंडरस्टैंड कर सके, और जैसे ही उस रीजन से बाहर निकला उस पैकेट को आप हटा दो। सो ये हो गया टनलिंग। अब इसके बाद थर्ड है हमारे पास हेडर ट्रांसलेशन। तो देखो हेडर ट्रांसलेशन कब यूज होता है, इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर ऑन IPv6 बट सम स्टिल यूजेस IPv4। कि मोस्ट ऑफ द तो IPv6 में कन्वर्ट कर गए बट कुछ अब भी IPv4 को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक IPv6 हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट 1, उसको एक पैकेट भेजना है जो IPv4 को समझता है, ठीक है, और जो मीडियम है यहाँ पे बीच में दैट इज ऑल्सो ऑन IPv6। तो जो मीडियम है वो भी IPv6 का ही रीजन है। तो यहाँ से जब क्लाइंट पैकेट भेजेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो क्लाइंट 2 है, इंटेंडेड रेसिपिएंट है, वो सिर्फ IPv4 को समझता है। तो पैकेट तो देखो कैसे जाएगा, यहाँ से इधर और यहाँ से, अब यहाँ पे कुछ हमें रखना है जिससे कि ये IPv4 के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो वो देखो कैसे होगा, यहाँ से चला जब IPv6 के अंदर था, रीजन से गया, रीजन से बाहर भी IPv6 में ही निकला, अब यहाँ पे कंप्लीट हेडर का ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे एक हेडर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है, देर इज अ हेडर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म जो इस IPv6 को एज ए इनपुट लेता है, और यहाँ से जो आउटपुट देता है वो IPv4 होता है। तो जब इस क्लाइंट तक पहुँचेगा ये पैकेट तो वो किस में होगा, IPv4 में। तो ये इनपुट हो गया इसका और ये सिंपल आउटपुट हो गया। अब जब IPv4 में पहुँचेगा तो ये क्लाइंट उसको ईजिली रीड कर लेगा। सो दिस इज द हेडर ट्रांसलेशन। तो ये 3 टेक्निक्स थी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ IPv4 टू IPv6 ट्रांसलेशन, तो आप इन तीनों टेक्निक्स को विद डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। तो ये डिफरेंस अब देखते हैं IPv4 और IPv6 में। सबसे पहला लेंथ ऑफ एड्रेस, IPv4 की लेंथ कितनी होती है, IPv4 के एड्रेस की लेंथ होती है 32 बिट, जबकि IPv6 के एड्रेस की लेंथ होती है 128 बिट। तो अगर इसमें 32 बिट है तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे इसमें, 2 to the power 32, और इसमें कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ एड्रेस, 2 to the power 128। तो ये दो डिफरेंस हो गए। अब सेकंड डिफरेंस है दैट IPv4 को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, जबकि IPv6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा डेसिमल नोटेशन में, ठीक है। देन IPv4 के अंदर IPsec का जो सपोर्ट होता है, IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जो सपोर्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, जबकि IPv6 में IPsec का जो सपोर्ट है वो इनबिल्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि जो IPv6 है दैट हैज़ मोर सिक्योरिटी। पैकेट फ्लो इंडिकेशन नहीं होता IPv4 में, बट IPv6 में पैकेट फ्लो इंडिकेशन होता है, और किसकी मदद से होता है, फ्लो लेबल फील्ड की मदद से। देन IPv4 में चेकसम फील्ड होती है, जबकि IPv6 के हेडर में चेकसम फील्ड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फील्ड IPv4 में है, IPv6 में ऑप्शंस को हटा दिया गया, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट डजंट हैव ऑप्शंस फील्ड बट इट डज हैव IPv6 एक्सटेंशन हेडर्स।
अब जो आईपी से मैक एड्रेस के बीच का जो मैपिंग होता है वो IPv4 के अंदर होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या फिर ARP की मदद से, जबकि IPv6 में वही काम होता है एक दूसरे प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सो नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल और इसको हम बोलते हैं NDP, ठीक है। देन IPv4 में ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज, जबकि IPv6 में ब्रॉडकास्ट मैसेज एज सच नहीं होता, बट इट इज प्रेजेंट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं IPv4 और IPv6 में। सो अगर आपको थ्योरी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता तो आप सिंपल इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि IPv4 और IPv6 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।